अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाक प्लास्ट के सेकंड डे में मौजूद हैं और हम यहाँ विस्कॉस कॉरपोरेशन के स्टॉल पे मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये कुछ एक नई काम कर रहे हैं और एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, ये क्या काम है और ये कैसे काम होता है। सर थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने हमें टाइम दिया और सर आपने भी हमें आपका तारुफ करा दिया। ओवैस कुरैशी मेरा नाम है। तो वैसा ही क्या काम क्या है ये आप लोगों का? सर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर रहे हैं और हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, हम उन पटरियों से हटें जो अंग्रेज़ बिछा के गए हैं और आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपने नए ट्रैक्स न्यू रिवाइव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन एटलीस्ट खुद कर सकें, हम एक्सपोर्ट ना करें ना सही, लेकिन हम इम्पोर्ट तो करना बंद करें, इम्पोर्ट करना तो बंद करें। तो ये आप कह रहे हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, तो उससे क्या मुराद है आपकी? कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ ना कुछ हो रही है ना प्लास्टिक के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि एक जगह बाउल बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, तो उससे आपकी थोड़ी सी और डिफाइन करेंगे इस बात। सर आप मुझे ये बताएं कि कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके डिज़ाइन को आपने चेंज होते हुए देखा है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं मौजूद जो आप अपने बचपन से देख रहे हैं और आज अपनी इस उम्र तक उन्हीं चीज़ों को उसी डिज़ाइन में देख रहे हैं। तो हम कभी किसी चीज़ के एस्थेटिक्स को चेंज ही नहीं करते, हम कहते हैं एक डाई बन गई अब उसको ज़िंदगी भर चलाते जाओ, एक नस्ल क्या तीन नस्लें हमारी एक डाई इस्तेमाल करेंगी। हम कहते हैं आप अपने डिज़ाइन को बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। हमारी चेयर्स होती हैं बंदा 3 घंटे बाद थक जाता है, आप दुनिया की चेयर्स को देखें वहाँ 12-12 घंटे लोग बैठते हैं, वो थकते नहीं हैं, उनकी फटीक नहीं आता, सही है, वो बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। आप डिज़ाइन को बेहतर करेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी ले सकेंगे ना। तो डिज़ाइन क्या अभी आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि डिज़ाइन भी हम वहीं से कॉपी करते हैं बाहर की ममालिक से लेते हैं या यहाँ पाकिस्तान में अब हम कोई डिज़ाइन नहीं है किसी भी? सर हम डिज़ाइन अपने जो टेक्टिक्स हैं उसके ऊपर बहुत पीछे हैं, हम नए डिज़ाइन नहीं बना रहे। एटलीस्ट अगर हम कॉपी करना शुरू करें और वो चीज़ जो हम इम्पोर्ट करके यहाँ पर कॉपी करके बना लें वो भी बेहतर है, हम इससे तो शुरू करें ताकि हम आगे अपनी डिज़ाइन एनहांस करके फिर एक्सपोर्ट में भी जा सकें। अच्छा, जैसे लेट से कोई कंपनी आती है, रूह अफजा आपके पास आए या शेल आए आपके पास कि यार हमें बॉटल डिज़ाइन कर दो, तो आप उसमें उन्हें क्या मदद देंगे? आप नए सिरे से शुरू करते हैं काम या उनसे कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्या करते हैं? सर पहली चीज़ तो ये है कि हर एक डिज़ाइन का अपनी एक थिंकिंग होती है, एक एनालॉजी होती है। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, मैं इसके एवज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप पाकिस्तान में घूमते हैं आपने कभी हमारी इमारतें हमारी सकाफत पर देखी हैं? कभी हमारी कोई प्रोडक्ट हमारी चीज़ की तर्जुमानी करती हुई नज़र आती है? हमारे कोई ऐसे मशरूब जो दुनिया को हमारे पास रिप्रेजेंट करें, लेकिन क्या हमारी वो चीज़ें हमारी जो जो सकाफत है उसकी अकासी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कि अगर हमारी चीज़ है तो वो हमारी चीज़ों पे देखनी चाहिए। ईरानियन प्रोडक्ट देखें, आपको देखते समझ में आएंगे कि ये ईरानियन या अरेबिक प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी सकाफत उसकी चीज़ें नुमाया हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि आपके ट्रेडिशन नज़र आने चाहिए, आपकी क्वालिटी नज़र आनी चाहिए और एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स सबसे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि आप कितना अच्छा फील करते हैं उसको यूज़ करके। आईफोन की एग्जाम्पल ले लें, आईफोन अगर आईफोन 10 है, आज बहुत स्लिम हो गया ना, आईफोन 1 बना के भी वो खुश रहते, ज़िंदगी भर वही चलाते रहते, सही है, लेकिन क्या आईफोन 10 के ऊपर लेके आए, उसके एस्थेटिक्स को चेंज किया, साइज़ को चेंज किया, बहुत मायने से चेंज लेके आते हैं, लेकिन एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद दुनिया खरीदती है, पागलों की तरह खरीदती है। मेरा जो सवाल था कि एक की कंपनी आपके पास आती है तो आप उसका पूरा डिज़ाइन करके देते हैं या उससे भी कुछ इनपुट लेते हैं, क्या करते हैं? लाजमी बात है हम उससे पहले इनपुट लेंगे कि वो क्या चीज़ चाहता है, पहले हम उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, देन हम उसके रिवाइव करते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं उसके डिज़ाइन को। हम कहते हैं कि ठीक है सर, आपकी ग्रिप इस तरह की होनी चाहिए, आपके एस्थेटिक्स ऐसे होने चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपने बहुत अच्छी एक शैम्पू की बॉटल बना ली, आप दे के गए उसको, आपने जाके शेल्फ के ऊपर रखा, शेल्फ के ऊपर वो 3 दफ़ा अगर गिर गई ना तो दुकान वाला उसको ऊपर नहीं रखेगा क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो टाके उसको नीचे ले आएगा और आपकी प्रोडक्ट पिट जाएगी जिसपे आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करे हुए। सो हम आपको वो सारी छोटे छोटे पैरामीटर्स के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को ना कि सिर्फ एक एस्थेटिकली अच्छा दिखाती है, कोई बंदा आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं आप प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बगैर पैकेजिंग से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप पैकेजिंग ही अजीब रख लेते हैं और क्या कहते हैं मेरी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी चली नहीं। अच्छा ओवैस, मैं यहाँ पे देख रहा था कि कुछ आपने मॉडल्स भी रखे हुए हैं, कुछ मशीनरी भी है, तो ये क्या थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चीज़ है, मशीन क्या है और ये मॉडल्स क्या है? इसके बारे में उसामा बेहतर गाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ये मशीन्स जो हैं वो प्रोटोटाइप तैयार करती हैं, प्रोटोटाइपिंग इस सेंस में कि आपने कोई भी इनोवेशन सोची, आपने उसको डिज़ाइन किया 3D और फिर उसने आपने उसको प्रिंट के लिए भेज दिया। सही, ये अगर बंदा कोई डाई की तरफ जाता है तो उसको काफ़ी टाइम भी लगता है, 1 हफ्ता तकरीबन लग जाता है। ये हमारे पास जो है वो मशीन समेत
तो ये 3D प्रिंटर टाइप की चीज है जी, ये 3D प्रिंटर्स ही हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो ये जब आप उन्हें दिखा देते हैं कंपनी को कि यार ये प्रोडक्ट आपकी ऐसी लगेगी, अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर डाई बनती है जी, उसके बाद डाई बनती है, ये डाई से पहले का प्रोसेस है। और अगर उसको नहीं पसंद आती या वो भी कोई चेंजेस सजेस्ट करता है तो फिर दोबारा हो जाती है जी, वो बिल्कुल फिर दोबारा हो जाती है। सही। तो ये जरा, ये प्रोडक्ट आपने रखे हुए हैं ये किस हवाले से, मतलब बोतल भी रखी हुई है कुछ, और ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास शुरू में इस तरह का आता है, अगर आपका कैमरा जूम करें तो इस तरह का प्रोडक्ट आता है, फिर उसको हम प्रोसेस के बाद, फिनिश लाने के बाद उसको हम इस तरह का प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो जिससे मुतमईन रहे कंपनी उसका फील कैसे होगा, उसका टच कैसा आएगा। अच्छा, मैं इस प्रोटोटाइप को देख के मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी तो काम हर इंडस्ट्री के अंदर है, फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, और हर किस्म फोल्ड के अंदर है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये एक छोटा सा एलिफेंट है, ये दिखने में एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ लग रही है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। तो किस तरह से आप, लेट सपोज बर्तन धोने के बाद इसको अपने सिंक के ऊपर रख दें, इसकी नोजल इस साइड पर है, आप जितने भी चम्मच और कटलरी आपकी वॉश होती है वो सारी इसके अंदर आ जाए, और जितना उसका पानी है वो ड्रेन आउट होकर सिंक के अंदर चला जाएगा और आपकी चीज़ भी साफ रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी बेसिक यूज होने वाली चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, ना हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्केट है, देखें जो जो जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, वो कहते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हुआ ही नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छा, वैसे एक बस आखिरी सवाल ये कि आपने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टॉल को विजिट करके, आमतौर पर जो नई चीज़ होती है वो होती बड़ी महंगी है, जैसे आप कह रहे हैं 3D प्रिंटर है, क्या आपकी चीज़ से आपके आपके पास कोई बंदा है वो कह नहीं है आप और उसके कोई रेट दें, वो कह नहीं यार मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, चलो जो पिछला चल रहा है बस चलाओ उसको, क्या क्या है उसको? सर, हम रिवाइव करने के लिए तो बैठे हैं, तो हम ऑब्वियस है हम कॉस्ट को इतना नहीं कर सकते। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग काम करें, लेट सपोज कि अगर कोई शख्स हमारे पास एक प्रोडक्ट रिवाइव कराने के लिए आते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट 10,000 से 15,000 रुपये होती है। ठीक है, ये एक बहुत एवरेज कॉस्ट है, इस कॉस्ट के ऊपर अगर कोई शख्स एक नई प्रोडक्ट बना सके तो उसके लिए क्या बुरा है। थैंक यू वेरी मच ओवैस और उसामा, आपने हमें इतना अच्छा नई इन्फॉर्मेशन दी, और मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि हमें जद्दत लेके आनी चाहिए, हर वक्त तब्दीली का है, हर वक्त जो है नई चीज़ का है, तो ये कितना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डिज़ाइन को इम्प्रूव करें, अपनी प्रोडक्ट की को इम्प्रूव करें, ताकि कस्टमर भी को भी इस्तेमाल करने में मज़ा आए। तो नाज़रीन, इस वक्त इस सेशन में इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।